ग्वालियर में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त उद्योग और व्यापार विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में निजी जमीन को सरकारी घोषित करके फैक्ट्री के नाम पर लीज डीड करने का आरोप लगाया। ये मामला औद्योगिक क्षेत्र तानसेन रोड ग्वालियर का है, जहां ग्राम गौसपुरा की लगभग 10 हेक्टेयर जमीन को लीज डीड कर दिया गया है। बता दें कि 2010 तक ये जमीन निजी थी, पर 2010 से 18 के बीच जमीन से मालिक का नाम खाली छोड़ दिया गया और 17-18 में इस जमीन को शासकीय दर्शा दिया गया। 2018 में जमीन को फैक्ट्री के नाम लीज डीड कर दिया गया। बता दें कि निजी जमीन को सरकारी घोषित करके लीज डीड नहीं किया जा सकता, ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। आपके डाबर कोल्ड स्टोरेज के कोई समस्या के लेके आए हैं और मैंने जो इनसे अभी चर्चा जो की है और इसका जो भी लीगली जो होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें क्या है कि ये डाबर कोल्ड स्टोरेज जमीन से डिजिटल मामला है और इनका जो कह रहे हैं अभी जो हमारे कुछ लोगों ने बोला कि ये पहले कि अमरजीत डाबर का उनका था और ये कहीं इनका मामला था, वो हम इस कागज को देख के करने के बाद आपको पूरी चीज बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।